नागौर लोकसभा सीट पर मुकाबला कांटे का है, तो वहीं कांटेदार बातें भी दोनों तरफ से सुनने को मिल रही है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और INDIA गठबंधन और RLP के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। कुछ दिन पहले बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा के 2009 से 2014 तक के संसदीय कार्यकाल में संसद में मिर्धा की उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े किए। इसी के जवाब में ज्योति मिर्धा ने कहा कि ये आरोप निराधार है, झूठ है। इन आरोपों में सच्चाई है तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगी, अन्यथा बेनीवाल अपनी दाढ़ी मूछ मुंडवा लें। सारी दुनिया में किसी से बात करो, जो माहौल चुनाव से पहले था, ये तो आप सब ने यहाँ बहुत मजबूती रखी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती रखी, वरना जो एक आम धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खींवसर, मैंने कहा कभी देखा है खींवसर, ये तो फिर भी सवाल है, मैंने थली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए। और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना, मजाक की बात नहीं है। नागौर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा, इतनी विधानसभा है कि 7 दिन में आराम से करो तो पूरे गांव नाली कवर हो जाते हैं, और खींवसर में करने लगो तो एक चक्कर काटने में कम से कम 18 दिन लगते हैं, दिन और रात मेहनत करो तब। तो साधुवाद है ये रेवत जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतने छोटे टाइम में इतना चुनाव लड़ा और ऐसे माहौल में चुनाव लड़ा।